तो इधर रतलाम जिले के जवारा नगर में नाली का पानी मंदिर की जमीन में छोड़ी गई है, जिससे नाली का पानी अधिक बहने से पूरे मंदिर के भगवान नाली के पानी में डूब गए हैं। वहीं अपने आराध्य को गंदे पानी में देखकर श्रद्धालु गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, जिससे धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नाली के पानी का निकासी का कार्य करने के लिए SDM कार्यालय जाकर जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं SDM ने भी जल्दी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पे ना नाली है, ना नल है, ना सड़क है। सड़क निजी लग गई, लाइट निजी लग गई, और सबसे ज्यादा समस्या नाली की है। नाली क्या समस्या है? नाली की समस्या है कि एक दूसरे के घर के सामने पानी जाता है और आपस में लोग लड़ते हैं और नगर पालिका कुछ नहीं कर रही। दूसरी तिलक नगर से लेके यहाँ तक पानी उन लोगों से छुड़वा दिया गया और वो नगर पालिका के जो मेट वगैरह उन्होंने उनका साथ दिया। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर भी मंदिर है, लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ का केंद्र है हमारा, और हम भोलेनाथ में इतनी आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं और चारों तरफ से नाली से घिरा हुआ है, जबकि भोलेनाथ तो कितने स्वच्छ कंदरा में विराजमान है, हिमालय जैसे। चार साल पहले यहाँ की कंडीशन देखते हुए कोई कह नहीं सकता है कि भोलेनाथ गंदगी में रह रहे हैं, कैसे पूजा पाठ किया।